लड़की को अपने दिल की बात कैसे बताएं। दोस्तों, जब भी हम कुछ कहना चाहते हैं तब हमें शर्म आती है या डर आता है, ये दूर हो इसके लिए आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। सबसे पहला है, सही टाइम और जगह का चुनाव करें। दिल की बात बताने से पहले सही टाइम और जगह अगर आप चुन लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वो आपको मदद करती है उस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। उसके लिए आप एक प्राइवेट और कंफर्टेबल जगह चुन सकते हैं जहां आप दोनों की बात ना किसी को डिस्टर्बेंस में आए और आप अपनी बात बड़े आराम से एक्सप्रेस कर सके। ऐसा नहीं कि वहां से भागना पड़े या कोई आ जाए डिस्टर्ब कर दे, कुछ और बात निकल जाए। नहीं, सही टाइम और जगह का चुनाव आराम से सोच कर करिए जहाँ पर आप दोनों कम्फर्टेबल हो, जगह अच्छी हो। दूसरा है, ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट से अप्रोच करें। जब आप अपने दिल की बात बताने का डिसीजन लेते हैं तो उसको ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट से अप्रोच करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि अगर सामने से ना आए तो उसे एक्सेप्ट करने की ताकत भी होनी चाहिए। लड़की को समझाने की कोशिश करें कि आप उसके फीलिंग्स और इमोशंस का रिस्पेक्ट करते हैं और उसके साथ पूरी ऑनेस्टी से बात कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि देखिए, मेरी इच्छा ये है, मेरा मन ये है, मेरी दिल की बात ये है, लेकिन आपकी जो भी होगी रिस्पेक्ट करेंगे हम उस बात को। तीसरा है, कॉन्फिडेंस से बात करें। बात करने के टाइम पर आपको कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहे छोटा मोटा झूठ ही क्यों ना बोल रहे हो, लेकिन आप उतने कॉन्फिडेंस से बोलिए कि सामने वाले को एक नज़र में तो वो सच ही लगना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, इसमें पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है। अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे तो लड़की भी आपकी बात को सीरियसली लेगी, लेकिन आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है तो बातें आपकी उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। चौथा है, क्लियर और डायरेक्ट बात करें। अपनी बात को क्लियर और डायरेक्ट तरीके से रखना ये भी एक साहस का काम है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है क्लियर बता दीजिए। देखिए, अभी तक हम दोस्त थे लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है आपके साथ। दिल की बात साफ तरीके से बता दीजिए। गोल मटोल, टाल मटोल, ये सब चीज़ें नहीं मर अच्छी नहीं रहेगी। क्लियर व्यू, डायरेक्ट बात। आखिरी और पांचवा है, रिस्पेक्ट हर डिसीजन। ये जो हमें सीखना है ये बहुत ही बड़ी बात है। जब आप अपने दिल की बात करते हैं तब गारंटी नहीं है कि वो भी हाँ ही बोलेंगे। हाँ बोल देते तो अच्छी बात, लेकिन उनका भी रिएक्शन क्या है ये देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर वो आपकी बात एक्सेप्ट करती है तो आपको धन्यवाद देना चाहिए, और अगर वो रिजेक्ट करती है तो उतनी ही रिस्पेक्ट के साथ उनके डिसीजन को वेलकम भी करना चाहिए कि हाँ, हो सकता है आपकी इच्छा अलग हो। आप अपनी बात को फोर्सफुली या अनकंफर्टेबल तरीके से मत रखें, उन पर ज़बरदस्ती मत करें, क्योंकि लड़की का फीलिंग्स और इमोशंस का भी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। देखिए, ज़बरदस्ती करेंगे तो क्या होगा, अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा, ज़बरदस्ती करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक्सेप्ट करेंगे तो अगर हो सकता है कि कुछ दिनों बाद फिर से उन्हें लगे कि नहीं, ये इंसान ठीक है, अच्छा है, तो वो फिर से भी आ सकते हैं। तो आप एक गैप या तो यूँ कहे कि एक चांस छोड़ कर जा रहे हो वो बात एक्सेप्ट करके। तो ये पाँच तरीके हैं लड़की को अपने दिल की बात बताने के। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस तरीके से आप बताते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे हैं सारे जी भी फ्रेंड या बच्चों लेला, जो भी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।